Search engines in bioinformatics can be defined at three levels. First level was where we were just getting information from the extracts of documents. Now, what are second and third categories? Second category is related to those documents where we are getting results from complete document or complete research paper. So for that second category, we have different developed search engines for biological data, such as ETBLAST and Qortal. So what is ETBLAST and what is Qortal? If I want to define ETBLAST basically, so ETBLAST is basically extension of our BLAST algorithm, which was basically word-based searching method, कि जिसमें हम वर्ड की बेस पे सर्च करके लाते हैं रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को. नाउ व्हाट आर एक्सटेंशन इन दिस ETBLAST इज दैट एज कंपेयर टू द प्रीवियस फर्स्ट मेथड, इट वर्क्स ऑन कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स. अब जब हम कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो वहां पर हमें एक और चीज डिफाइन करनी पड़ती है, दैट इज पबमेड सेंट्रल डेटाबेस. हमने ये देखा था कि पबमेड एक डेटाबेस है जिसके अंदर हमारे पास रिसर्च आर्टिकल के एब्स्ट्रैक्ट्स पड़े हुए हैं. On the other hand, PubMed Central is an extension of, is a different basically data set of than PubMed, जहाँ पर हमारे पास abstract के साथ साथ complete research articles भी पड़े हुए हैं. Now this ETBLAST, what does it do? Based on the user query, it retrieves records from that PubMed Central data set. अब ये जो data set से ये हमारी retrieval लेके आता है, that is based on complete words as that was done in BLAST algorithm. Then we have Qortal. Qortal is again from the second category of search engines in biological domain. Simple difference इसमें क्या है कि instead of working on the syntax of words alone, it tries to find out words on the semantic also. Semantic से मुराद क्या है कि ये जो हमारे पास, जैसे for example अगर हम कहते हैं जी introns और exons और splice site है, तो हम ये कह सकते हैं कि introns और exons में अगर splice site आता है तो ये सिमेंटिक इंफॉर्मेशन को जो बेस ऑन कॉन्टेक्स्ट है उसको यूज करते हुए हमें सर्च करने में हेल्प आउट करेगा. मूविंग ऑन, वी कम टू द फाइनल डिग्री, थर्ड कैटेगरी ऑफ सर्च इंजन इज बायोलॉजिकल डॉक्यूमेंट्स. नाउ व्हाट वाज द थर्ड कैटेगरी, जिसके अंदर हमारे पास फीडबैक आता है कि जैसे हमने एक यूजर ने सर्च किया, जो रिजल्ट आया उसे पता लगा कि कितना रेलिवेंट है. अब उस रिट्रीव्ड एंड रेलिवेंट रिजल्ट के अगेंस्ट यूजर फिर क्यूरी देता है और फिर रिट्रीव रिजल्ट आता है, तो यूजर की क्यूरी जो है वो कंसाइज और फाइन होती जाती है विद एवरी लेवल. अब इस कैटेगरी में भी डिफरेंट सर्च इंजन अवेलेबल हैं, सच एज नंबर वन इज गो पबमेड. अब गो पबमेड क्या है बेसिकली, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स. नंबर वन इज गो, गो वाज जीन ऑन्टोलॉजी. पबमेड हमारा जो हमारे पास मेडलाइन का कॉर्पस है या सर्च इंजन है पबमेड का. अब ये क्या कर रहा है कि जो पबमेड का कॉर्पस है उसे फर्स्ट कन्वर्ट करता है जीन ऑन्टोलॉजी में. जीन ऑन्टोलॉजी का क्या फायदा होगा कि जो हमारे पास जीन्स अवेलेबल हैं उनको एक मैकेनिज्म में या हायरार्की में रखेगा, सो दैट दे कैन बी सिमेंटिकली इंटरप्रेटेड. अब वो जीन ऑन्टोलॉजी प्लस पबमेड को कंबाइन किया गया, उनकी बेस पे एक सर्च इंजन बनाया गया विच इज गो पबमेड. ये करता क्या है, इट इंडेक्सेस पबमेड सर्च रिजल्ट्स विद ऑन्टोलॉजिकल बैकग्राउंड, कि अब हमारे पास रिजल्ट तो पबमेड के आएंगे लेकिन इन द फॉर्म ऑफ ऑन्टोलॉजी, और उनकी ऑन्टोलॉजिकल की वजह से वहां पर सिमेंटिक इंफॉर्मेशन भी इंट्रोड्यूस होगी. देन वी हैव एक्सप्लोरमेड. एक्सप्लोरमेड क्या करता है, अगेन बेस में इसके पबमेड है, लेकिन अब क्या करेगा कि जो पबमेड की हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके साथ मैश इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करेगा. मैश हमारी क्या थी, मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग्स, कि जो हमारी पबमेड के आर्टिकल्स हैं उनको मैश के साथ कंबाइन करेगा. एज वी वर यूजिंग गो विथ पबमेड इन द प्रीवियस केस, यहाँ पे हमारे पास मैश जो है वो कंबाइन हो रही है विथ पबमेड और फिर डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव होंगे. देन वी हैव ई बी आई मेड. दिस ई बी आई मेड बेसिकली इट इज कम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, वन इज इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एंड द अदर वन इज इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन. नाउ रिट्रीवल इज जस्ट अ प्लेन रिट्रीवल ऑफ एनी टेक्सचुअल डाटा और फैक्चुअल डाटा. ऑन द अदर एक्सट्रैक्शन क्या है कि जहाँ से हम गिवन इंफॉर्मेशन में से न्यू इन्फॉर्मेशन को अटेन करते हैं, तो जो हमारे पास ई बी आई मेड है इसमें ये दोनों चीज़ें हो रही हैं. वट इट डज फर्दर, इट एनालाइजेज रिट्रीव मेडलाइन एब्स्ट्रैक्ट्स टू हाईलाइट एसोसिएशंस ऑल्सो. अब एसोसिएशंस क्या है कि क्योंकि हमें पता है कि हमने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, तो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन के लिए हमें इनर वर्ड्स की आपस में एसोसिएशन पता होनी चाहिए कि कौन से वर्ड्स हैं जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं और कौन से इनडिपेंडेंट हैं. बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी इन्फॉर्मेशन वी कैन से वी हैव रिट्रीव्ड relevant results from a search engine. Then finally, the results are related or showed in form of tables.
कि जो ईबीआई मेट का रिजल्ट है वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स आता है, जिसका हमें फ़ायदा क्या होगा कि अब ये हमारे पास जो डाटा है इन अ लॉजिकल फॉर्म, इन अ रिलेशनल फॉर्म है, कि हमें पता है कि रोज़ क्या प्रेजेंट कर रही हैं और टेबल्स क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। द फाइनल सर्च इंजन इन द थर्ड कैटेगरी इज आई हॉप। नाउ व्हाट इज दिस आई हॉप? इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन हाइपर लिंकिंग मैकानिज्म। अब ये हाइपर लिंक्स क्या हैं? हाइपर लिंक्स आर रिलेशनशिप बिटवीन सेंटेंसेज एंड एब्स्ट्रैक्ट्स, कि हमारे पास जो डिफरेंट सेंटेंसेज मौजूद हैं या क्यूरी जो मौजूद हैं उनका एब्स्ट्रैक्ट से क्या रिलेशनशिप है इन द फॉर्म ऑफ हाइपर लिंक्स। अगेन इट वर्क्स ऑन पबमेड, और ये नेविगेशन करता है पबमेड के आर्टिकल्स को और वहाँ से रिजल्ट्स को रिट्रीव करके लेके आता है। सो फाइनली इट नेविगेट्स, और नेविगेशन इज परफॉर्म्ड अलोंग द जीन नेटवर्क्स, और इट अलाउज अ स्टेप वाइज एंड कंट्रोल्ड एक्सप्लोरेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन स्पेस। अब जब हम सारे जीन्स को या नेटवर्क्स को वन बाय वन पढ़ रहे हैं तो हमारे पास एक कंट्रोल है। कंट्रोल से मुराद क्या है कि स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन आएगी, कि हमने फर्स्ट जीन्स को पढ़ा, उधर से हमने जो इन्फॉर्मेशन अटेंड करना चाहते थे वो सेव की, देन द सेकेंड वन एंड द थर्ड वन। सो फाइनली आई कैन कंक्लूड दैट दिस मॉड्यूल बेसिकली पुट लाइट ऑन टाइप ऑफ सर्च इंजन विच आर यूज फॉर बायोलॉजिकल डॉक्यूमेंट्स। और वो टाइप्स हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी वो थी जो एब्स्ट्रैक्ट्स को कर रही थी, देन फॉर कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स, एंड द थर्ड वन वॉज इन्फॉर्मेशन अटेंड फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स वर फर्दर यूज फॉर गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन।